ओके सो इस प्रॉब्लम में वन ऑफ द इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जिसमें एक क्विक पेपर में 6 ट्रू फॉल्स पूछे गए. तो हम यहाँ पर 6 क्वेश्चंस मार्क कर देते हैं. ओके तो एक पेपर में 6 ट्रू फॉल्स के प्रॉब्लम है जिसका आंसर आइदर ट्रू या फिर फॉल्स होगा. तो हमको दो रिस्ट्रिक्शन दी हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिया है कि किसी भी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर नहीं. इसका मतलब कि फुल मार्क्स तो किसी भी स्टूडेंट के नहीं. दूसरा रिस्ट्रिक्शन हमको दिया है कि किसी भी स्टूडेंट के सीक्वेंसेस कॉमन नहीं है, मतलब जो आंसर के सीक्वेंस होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने पहले जो 3 है उसमें ट्रू भरा और आखिरी 3 में फॉल्स भरा, ऐसा फिर और किसी स्टूडेंट ने नहीं भरा, तो हम ये कह सकते हैं कि नो सेम पैटर्न और सीक्वेंस. तो अगर मान लेते किसी ने TF भरा है तो वो एक अकेला स्टूडेंट है जिसने इस सीक्वेंस में आंसर दिया और ऐसा क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं है. तो हमसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमम स्टूडेंट्स, कि एक क्लास में ये दोनों रिस्ट्रिक्शन अगर फॉलो करते हैं तो मैक्सिमम कितने स्टूडेंट हो सकते हैं. तो सबसे पहले तो हम देखें कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आंसर्स कितने पॉसिबल हैं. अगर एक ऐसा पेपर डिजाइन किया जिसमें हमने 6 ट्रू फॉल्स रखे हैं तो हर आंसर के लिए वी हैव 2 ऑप्शंस, ट्रू या फॉल्स. सेकंड के लिए भी ट्रू या फॉल्स, थर्ड के लिए भी ट्रू या फॉल्स. इसका मतलब हमारे पास 2 की पावर 6 यानी 64 आंसर पॉसिबल हैं. तो नंबर ऑफ वेज टू आंसर दिस पेपर, अगर हम लिखें नंबर ऑफ वेज टू आंसर दिस पेपर, तो वो कितने वेज हो जाएंगे? 64 वेज हो जाएंगे माइनस 1, क्योंकि करेक्ट आंसर कितना है? 1. करेक्ट आंसर का जो सीक्वेंस होगा यानी उस पेपर की जो आंसर की होगी वो तो एक ही आंसर की होगी ना. जैसे मान लेते हैं उसकी आंसर की है FT, 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 ये सही सीक्वेंस है जिससे फुल मार्क्स मिलते हैं, लेकिन वो तो किसी भी स्टूडेंट ने नहीं फिल किया. लेकिन वो होंगे कितने? देर इज ओनली वन वे टू आंसर ऑल प्रॉब्लम्स करेक्टली, जो आंसर की है वही भर दो. तो कितने बचे हमारे पास इनकरेक्ट आंसर्स? 63. इनकरेक्ट आंसर 63 है. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 63 हो सकते हैं, क्योंकि किसी को भी रिपीट नहीं करना है. जो भी आंसर एक ए स्टूडेंट ने भर दिया वो बी स्टूडेंट नहीं भरेगा. तो 63 इनकरेक्ट आंसर पॉसिबल है मैक्सिमम. तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का भी आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा. तो यही फाइनल आंसर है 63.